बॉयल स्लो में क्या होगा, प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। उसका एक्सप्लेनेशन फॉर्मूला और ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आइसोथर्म क्या है, हर एक कर्व है अलग अलग टेम्परेचर पे, वो आइसोथर्म है। फिगर 5.5 बी रिप्रेजेंट द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड 1 अपॉन वी। स्ट्रेट वाला ग्राफ था, स्ट्रेट डायरेक्शन में हमें मिल रहा था, पहले कर्व था, तो पी वर्सेस वी के दोनों एक्स, एक वाई एक्सिस में हमने प्रेशर रखा था और एक्स एक्सिस में वॉल्यूम रखा था, तो हमें कर्व फॉर्म में ये ग्राफ मिल रहा था। पर 1 अपॉन वी कर दोगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और जो वैल्यू आएगी वो आप एक्स एक्सिस पर रखोगे, बाद में यहाँ पे पॉइंट आउट करोगे कि एक पॉइंट यहाँ आया है, एक पॉइंट यहाँ आया है, एक पॉइंट यहाँ आया है, और उसमें से लाइन खींचोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो पी वर्सेस 1 अपॉन वी का ग्राफ आपको स्ट्रेट मिलता है। दिस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब है यहाँ से पास होगा ग्राफ। ओरिजिन मीन्स यहाँ जीरो से पास होगा, यहाँ जीरो होगा, जीरो से पास होगा। However, at a high pressure, gas deviate from Boyle's law. अब प्रेशर हम ज्यादा देंगे तब गैस है उसका, गैस का जो बिहेवियर होगा वो डेविएट होगा। Boyle's law में जो बिहेव करता है वो बिहेवियर नहीं होगा जब हम प्रेशर काफी ज्यादा दे देंगे तब। एंड अंडर सच कंडीशन अ स्ट्रेट लाइन इज नॉट ऑब्टेन इन दिस ग्राफ। अब इस कंडीशन में जब प्रेशर हमने ज्यादा दिया होगा तब हमें ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, कर्व फॉर्म में मिलेगी। एक्सपेरिमेंट ऑफ बॉयल्स इन ए क्वांटिटेटिव मैनर प्रूव दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, बिकॉज़ व्हेन ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज कंप्रेस्ड द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई अ स्मॉलर स्पेस। अब बॉयल्स के एक्सपेरिमेंट में उसने क्या बताया है कि कोई पहले कोई आ रहा है, लेना पड़ेगा। आविश को कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, आविश आ गया है, आविश नहीं आया है, ओके। और क्रिंज आया है, देखो सुबह सुबह कभी लेक्चर भर लेते हैं, बाकी तो नहीं आते। नहीं, हेत को कोई बोल देना, हेत कभी केमिस्ट्री के क्लास में प्रेजेंट नहीं रहता, हेत को क्या प्रॉब्लम है। वेदांत आपका फ्रेंड है, पूछ देना उसको। एक्सपेरिमेंट फॉर बॉयल्स इन क्वांटिटेटिव मैनर प्रूव दैट द गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैस उसने एक्सपेरिमेंट के लिए उसने गैसेस ऐसे लिए थे कि जो हाईली कंप्रेस्ड हो पाए, ओके, जिसको हम ज्यादा प्रेशर दे पाए, ऐसा गैस लिए, ऐसे गैसेस लिए थे। कैरेक्टरिस्टिक उसकी प्रॉपर्टी ऐसी थी, बिकॉज व्हेन ए गिवन मास ऑफ अ गैस इज कंप्रेस्ड, क्यों, क्योंकि कोई गैसेस को कंप्रेस्ड करते हैं तब उसका मास है वो कंप्रेस्ड होगा, मास है वो कंप्रेस्ड होगा, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो उसकी जगह है वो थोड़ी कंप्रेस्ड कर देगा, मीन्स वो स्मॉलर स्पेसेस पर रहेगा। वो प्रेश होता है, गैसियस मॉलिक्यूल को प्रेश करते हो तो वॉल्यूम उसका डिक्रीज होता है, ओके। दिस मीन्स दैट द गैस बिकम डेंजर एट हाई प्रेशर। इसका मतलब है कि हाई प्रेशर हम देंगे, प्रेशर ज्यादा देंगे तो गैस है उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, गैस की डेंसिटी इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम उसका कम हो रहा है। इसका मतलब कम वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे, कम वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल मिलते हैं उसका मतलब है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। ए रिलेशनशिप कैन बी ऑब्टेन बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ ए गैस बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ। अब रिलेशनशिप हमें एक मिल सकती है डेंसिटी एंड प्रेशर के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला आपको दी है कि डेंसिटी इज इक्वल टू आई थिंक मास बाय वॉल्यूम वाली है, ओके, यही है कि अगर वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगा,
इंक्रीज होगी, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रिलेशन दोनों दोनों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, एक इंक्रीज होगा तो एक डिक्रीज होगा। मान लो कि वॉल्यूम है ए इंक्रीज होगा, उसका मतलब है डेंसिटी डिक्रीज होगी। पर अगर वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है, प्रेशर आप देते हो और वॉल्यूम डिक्रीज होगा, उसका मतलब है डेंसिटी इंक्रीज होगी। गैसियस मॉलिक्यूल की बात है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस कम है, स्मॉल स्पीसीज में वो रहे हैं तो इसका मतलब है उसकी डेंसिटी है वो ज्यादा है। वॉल्यूम कम मीन्स डेंसिटी ज्यादा। तो ये टेबल आपको दिया है, प्रेशर आपने इतना दिया है, उसका वॉल्यूम 1112 है, 112 है, तो उसमें 1/V की वैल्यू कितनी है और PV/10^2 पास्कल पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड आउट करी है, पर कोई कैलकुलेशन आपको दी नहीं है। ओके, ये मास की कैलकुलेशन करी होगी, कोई यूनिट उसका पास्कल पर मीटर स्क्वायर है, पर ये यूनिट तो है वो। ओके, प्रेशर बाय वॉल्यूम, प्रेशर बाय वॉल्यूम करा होगा, पर प्रेशर इनटू वॉल्यूम है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ओके, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा है टेबल में, प्रेशर एंड वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन करा है, मल्टीप्लिकेशन करा होगा तो ये आंसर कैसे आएगा। ओके, 10^2 दिया है, यहाँ पे 10^2 दे दिया है, इसका मतलब है आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे प्रेशर ऑन वॉल्यूम को, आपको जो आंसर आएगा वो आंसर में 2 पॉइंट डिक्रीज कर देना है, वो यहाँ पे लिख दिया है। ओके, और 1/V करा है तो उसकी वैल्यू कितनी है, प्रेशर है उसका यूनिट पास्कल है और वॉल्यूम है उसका मीटर क्यूब है, 1/V करा तो 1/V करोगे तो वॉल्यूम का जो यूनिट आएगा वो यहाँ पे नीचे रहेगा मीटर क्यूब, और उसका यूनिट ओवरऑल क्या होगा, मीटर -2 -3 मीटर रेस्ट टू -3। बाय डेफिनेशन डेंसिटी डी इज रिलेटेड टू द मास एंड द वॉल्यूम वी बाय द रिलेशन। If we put a value of V in this equation from Boyle's law equation, we obtain the relationship. हमें relationship मिलेगी, ये आपको table में बताई है कि P into V करा है तो आपको answer मिला है, कोई जो भी answer मिला है, pressure और volume, pressure आपने कितना दिया है और उसका volume कितना है, तो overall आपको ये answer मिला है। This shows that at constant temperature, pressure is directly proportional to the density of a fixed mass of a gas. ये क्या हमें रिप्रेजेंट करता है कि कोई कांस्टेंट टेम्परेचर है, कोई कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो प्रेशर, उस कंडीशन में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, प्रेशर है वो डायरेक्टली रिलेशनशिप में है डेंसिटी के, अगर फिक्स मास ऑफ ए गैस पर उसका मास होगा वो फिक्स्ड होना चाहिए, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तब प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा डेंसिटी के। तो ये फॉर्मूला याद रखनी है, density m/k1 and p, overall k dash p वाली formula है, ये m/k1 है उसको k dash बोल दिया है। हेलो बोलो, यस देखते हैं बेटा। यस, देखो प्रेशर में ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 10^4 करा है और वॉल्यूम में 10^-3 करा है, तो आपका क्वेश्चन है कि मैडम आपने ये क्यों नहीं करा। हाँ, तो ये सही है कि भाई ये क्यों नहीं आया, पर कोई कैलकुलेशन मैंने करके आप यहाँ पे नहीं रखी है। ओके, तो ये आप देख लेना कि यहाँ पे 10^2 क्यों आया है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ये डिवाइडेड बाय 4 दिया है और डिवाइडेड बाय 10^-3 दिया है, तो
आंसर आता है कि नहीं ये देख लेना। ओके ये आपको देखना है, और यहाँ पे 10^2 दिया है, वो जो आंसर आता है सभी में ये 10^2 कॉमन रहता है, कॉमन रहता होगा, इसलिए यहाँ पे डिवाइडेड बाई 10^2 दिया होगा। ओके तो ये आपको देखना है। कोई एक को लेकर अगर हम देखते हैं कि ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, ओके 1, 1, 2, यहाँ पे इंटू 10^-4 है, 2 × 10^-4, सॉरी 10^4 है, पर डिवाइडेड बाई करा है इसलिए माइनस फोर करेंगे, ये माइनस फोर कर दो, ऊपर लाओगे तो माइनस में आएगा आंसर, और वॉल्यूम है वो 10^-3 है, और ऊपर लाओगे उसको तो +3 होगा। अब +3 और -4 इसका मतलब है यहाँ पे +1 इसका मतलब है 10^-1 बचेगा, ऊपर आप समेशन होगा, 1, 1, 2 इंटू 2 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2, 2, 4। ओके 2, 2, 4 आंसर मिलेगा, 2, 2, 4 इंटू 10^-1 करोगे तो आपको 22.4 मिला है, पर 10^2 ये आंसर तो आपको मिल गया कि 2, 2 इतना आंसर आया। ओके इंटू 10^-1 है तो 1 है, इसका मतलब है यहाँ पॉइंट फॉर्म में रख दो, ये पॉइंट फॉर्म में रख दोगे तो आंसर आपको मिल जाता है 22.4, पर डिवाइडेड बाई 10^2 क्यों करा है ये यहाँ से आपको नहीं मिल रहा है। ओके डिवाइडेड बाई 10^2 क्यों करा है वो हमें यहाँ से नहीं मिल रहा है, आप देख सकते हो कि इनका यूनिट भी हमने लिखा है देखो, पर 10^2 यहाँ करा है, ये तो या तो प्रिंट मिस्टेक हो सकती है, सभी में ऐसा आएगा, देखो 2.5 × 89.2 करोगे तो आंसर आपको 22.3 मिलेगा, आंसर आपको 22.3 मिलेगा, पर ये 10^2 का क्या लॉजिक है वो आपको देखना है कि वो क्यों लिखा है। ओके क्योंकि अभी इसमें हम टाइम नहीं देंगे, और डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम वाली फॉर्मूला है, उसमें अक्षर भावसार फिर से आ रहा है, अक्षर भावसार है प्रॉब्लम आई होगी, हर्ष विवेक एंड हिताक्ष प्रेजेंट ले लो, हर्ष विवेक एंड हिताक्ष प्रेजेंट ले लो बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, पर यह रिलेशनशिप आपको याद रखना है, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, और प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तब डेंसिटी है वो प्रेशर की इक्वल प्रोपोर्शनल में होगी, और ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। अब ये सम आपको दिया है कि ये बलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, इट विल बस्ट इफ प्रेशर एक्सीड 0.2 bar। अब कोई बलून है उसमें आपने हाइड्रोजन गैस फिल करा है, टेम्परेचर होगा रूम टेम्परेचर, इट विल बी बस्ट इफ प्रेशर एक्सीड 0.2 bar। अब ये बस्ट हो सकता है जब आप उसको प्रेशर 0.2 bar से ज्यादा दोगे तब वो बस्ट हो सकता है, टूट सकता है। If at 1 bar pressure the gas occupies 2.27 liter volume, जब हम pressure 1 bar देते हैं तो आपको एक pressure की value दे दी है कि 1 bar है, तब उसका volume कितना होता है 2.27 liter। Up to what volume can the balloon be expanded? अब उसने बोला है, पूछा है आपको कि भाई balloon का volume है, हम कब तक उसको उसका volume किस तक जाता है, इतना पता है कि 1 bar प्रेशर आप देते हो तब 2.27 लीटर उसका वॉल्यूम रहता है, पर उसका वॉल्यूम हम कितना हम उसमें गैस है, गैसेस मटेरियल है वो उसमें हम फिल कर सकते हैं। तो P1 मान लो कि P1 है वो 1 bar है, और V1 आपको 2.27 लीटर दे दिया है, P2 की वैल्यू ये क्या है, प्रेशर आप देते हो 0.2 bar, तब कंडीशन ऐसी है कि वो बस्ट हो सकता है, तो वो देख लेते हैं उसकी वैल्यू कितनी आती है, उसमें वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आती है वो देखते हैं। तो वो जो वॉल्यूम आएगा उससे कम रहना चाहिए, सपोज 11.35 वैल्यू आई वॉल्यूम की, तो इससे वॉल्यूम कम होना चाहिए तब ये बलून है वो बस्ट नहीं होगा। ओके ये P1 की वैल्यू 1 bar है, V1 की वैल्यू
जब पी वन वन बार होगा तब वॉल्यूम उसका 2.27 लीटर होगा, पी टू है प्रेशर 0.2 बार देते हो तब बलून है वो बर्स्ट होता है। हमें क्या देखना है कि बलून बर्स्ट होता है जब आप इतना वॉल्यूम फिल करते हैं, बलून बर्स्ट होगा जब आप प्रेशर 0.2 बार दोगे तब वॉल्यूम आपको मिलता है वो वॉल्यूम, जब बलून है बर्स्ट होगा वो वाला वॉल्यूम है। ओके तो इसका मतलब है हमें इतना आंसर मिल सकता है कि 11.35 लीटर से कम हमें वॉल्यूम फिल करना चाहिए गैस का। ओके P1V1 is equal to P2V2 करोगे, बॉयल स्लो में ये फॉर्मूला दी थी कि कोई अलग अलग प्रेशर दिया है और वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखो रूम टेम्परेचर बोला है, टेम्परेचर में कोई चेंजेस है नहीं, रूम टेम्परेचर में ही आप ये करते हो, प्रेशर देते हो, गैसेस हाइड्रोजन गैस उसमें फिल करते हो और वॉल्यूम उसका इंक्रीज होता है। कोई एक प्रेशर की वैल्यू आपको दे दी है वन बार और वॉल्यूम की वैल्यू दे दी है और यह रिलेशनशिप आपको पता है P1V1 is equal to P2V2 और V2 आपको फाइंड आउट करना है तो उसको अकेला कर दो, P1V1 divided by P2V2 हो जाएगा, सॉरी P2 हो जाएगा। अब 1 आपको वैल्यू दी है 1 बार 2.27 लीटर है उसका वॉल्यूम और 0.2 बार प्रेशर सेकेंड बार आपने दिया इतना प्रेशर है तो वॉल्यूम इसमें आपको इतना मिला 11.35 लीटर। तो इसका मतलब है कि बलून बस्ट एट 0.25 बार प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ बलून शुड बी लेस देन 11.35 लीटर। तो ये वॉल्यूम उसका कम होना चाहिए, 11.35 लीटर से उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें मिल नहीं रहा है, हमें ये वॉल्यूम मिल रहा है कि जब बलून बस्ट हो रहा है तो उससे कम होना चाहिए प्रेशर। ओके और वो उसका वॉल्यूम भी उससे कम होना चाहिए तब जाके बलून बस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ, उसने टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप दिया है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम में क्या चेंजेस आया है और या तो वॉल्यूम चेंज करते हैं तो गैस टेम्परेचर में क्या चेंजेस आता है। ओके ऐसा तो रिवर्स में तो नहीं होगा पर देखते हैं वन बाय वन। चार्ल्स एंड गैल्यूसेक performed a several experiment on gases independently to improve upon hot air balloon technology. सबसे पहले थोड़ा explanation देना है आपको, ये लो 3 मार्क में पूछे तो इसमें थोड़ा बोलना है कि भाई चार्ल्स ने क्या करा था। Their investigation shows that for a fixed mass of a gas at a constant pressure, volume of the gas increase on increasing temperature and decrease on cooling. अब कोई फिक्स्ड अमाउंट में मास लो, फिक्स्ड मास लोगे कोई गैसेस का और प्रेशर उसका कांस्टेंट रखोगे, प्रेशर कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीज ऑन कूलिंग, वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा और टेम्परेचर के साथ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हो मीन्स कूलिंग करते हो तो इसका मतलब है उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है तो ये सबसे पहले ये वाला जो स्टेट है जो पॉइंट्स है वो आपको बताना है। दे फाउंड दैट फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय 1/273.15 of the original volume of the gas at 0 degree centigrade. इसने क्या उसने क्या देखा कि टेम्परेचर आप 1/1 इंक्रीज कर रहे हो तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और वो कितना हो रहा है अकॉर्डिंग टू 1/273.15 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये समझने की कोई जरूरत नहीं है कि इतना अमाउंट में वो इंक्रीज हो रहा है। थस इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टी डिग्री सेंटीग्रेड आर वॉल्यूम V0 एंड T0 VT, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तब उसका वॉल्यूम मान लो कि V0 होगा, पर मान लो टेम्परेचर आपने कोई दिया है कि 27 डिग्री या तो 30 डिग्री टेम्परेचर दिया तो उसका मतलब है उसका वॉल्यूम भी वो टेम्परेचर पर कोई अलग होगा। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का यह रिलेशनशिप चार्ल्स ने दिया है।
स्ट्रेट है उसका एक्सप्लेन करो कि किसके बारे में उसने बताया है कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वो हो गया। उसके बाद ये एग्जांपल ये वाला पॉइंट क्लास वाला आपको दिया है कि भाई टेम्परेचर उसका 0 डिग्री होता है तब उसका वॉल्यूम होगा वो भी 0 होगा, और टेम्परेचर उसका टी डिग्री होगा तब उसका वॉल्यूम वी टी समथिंग कुछ होगा, कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। एट दिस स्टेज वी डिफाइन ए न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर सच एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ए न्यू स्केल इज गिवन बाय टी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका मतलब है हम 273.15+t लिख सकते हैं। केल्विन में आंसर आपको दिया है, टेम्परेचर है उसका आंसर केल्विन में दिया है, टेम्परेचर आपको कोई भी दिया है, मान लो कि यहाँ पे 25 या तो 28 डिग्री टेम्परेचर पे आपने कोई गैसेस को रखा है तो उसका मतलब है उसका टेम्परेचर होगा 273.15+28, ये टोटल टेम्परेचर आपको मिलेगा जो भी टेम्परेचर है वहां पर आपको प्लस 273.15 करना है तो आंसर आपको केल्विन में मिलेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू विल बी T0 273। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू आपको पता है कितनी है 273.15, और कोई T डिग्री कोई टेम्परेचर उसका T डिग्री मीन्स 28 डिग्री ले लो या तो 30 डिग्री ले लो तो वो राशि है वो 273.15 से मिलाकर टोटल टेम्परेचर आपको मिलेगा। दिस न्यू टेम्परेचर स्केल इज कॉल्ड द केल्विन टेम्परेचर स्केल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ये न्यू टेम्परेचर वाला जो आंसर मिलेगा इसको आप क्या बोलोगे कि ये केल्विन टेम्परेचर स्केल है या तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है। ऊपर आपको ये फॉर्मूला दी है Vt इज इक्वल टू V0 प्लस T अपॉन 273.15 इनटू V0। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, डायरेक्टली आपको बताया है, कोई रीजन नहीं बताया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आई क्यों आई, कोई रीजन नहीं है। जस्ट आप इतना कर दो कि Vt माइनस V0 होगा इज इक्वल टू T अपॉन, पहले क्या होगा T अपॉन इसको निकाल देते हैं, पहले T अपॉन और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, देखते हैं इसमें कोई हमें लॉजिक मिलता है, पता चलता है तो ठीक है, नहीं पता चलेगा तो ये डायरेक्ट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। टेम्परेचर पहले टी होगा तब उसका वॉल्यूम वी होगा, टेम्परेचर टी जीरो स्टार्टिंग का टेम्परेचर टी जीरो होगा तब वॉल्यूम वी जीरो होगा, तो फाइनल वॉल्यूम में से ये इनिशियल वॉल्यूम बात करा है उसके बाद आपको ये फॉर्मूला दी है इज इक्वल टू करके टी डिवाइडेड बाय 273.15 इनटू V0। इसका कोई लॉजिक है नहीं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये चार्ल्स लॉ की फॉर्मूला है। ओके, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट जो आपको ये फॉर्मूला दी है इसमें V0 है वो बाहर रखा है, कॉमन निकाला है और इन ब्रैकेट में ये V0 है, बाहर निकालोगे यहाँ पे कोई और है नहीं, मीन्स राशि कोई नहीं है तो यहाँ पे 1 कर दो और V0 इसमें से निकाल लोगे तो यहाँ पे बचेगा 273.15। अब Vt इज इक्वल टू V0 आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 273.15 है वो यहाँ पर रख कर ये वाली फॉर्मूला आप फाइनल दे सकते हो कि चार्ल्स लॉ की ये फॉर्मूला है। कोई रिलेशन भी उसने बताया है, नेक्स्ट रिलेशन क्या है, फर्स्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन द सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 273.15 एट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल। अब ये रिलेशन देखो, Vt इज इक्वल टू V0 इन ब्रैकेट Tt डिवाइडेड बाय T0। तो फाइनली आपको ये रिलेशन दिया है Vt बाय V0 इज इक्वल टू T1 बाय T0, not that the degree sign is not used while writing the temperature in absolute temperature scale. अब इतना तो आपको पता है, या तो यहाँ से शुरू हुआ है, केल्विन का पता नहीं है तो याद रख लो कि जब केल्विन में आप आंसर देते हो तब डिग्री की साइन नहीं आएगी। सपोज मान लो कि 28 डिग्री टेम्परेचर था
आपने फाइंड आउट करा केल्विन में, उसको केल्विन में फाइंड आउट करना है तो 273.15 करना पड़ेगा। इतना करोगे जो आंसर आएगा उसको आपको ओनली केल्विन में लिखना है, वहां पे कोई डिग्री वाली साइन नहीं लिखनी है। ओके, ओनली केल्विन में लिखना है, केल्विन स्केल में ओनली केल्विन उसका आंसर आता है, मींस उसका यूनिट आता है, डिग्री सेंटीग्रेड वाला कोई यूनिट नहीं आता। डिग्री सेंटीग्रेड में से हम कन्वर्ट करते हैं केल्विन में तो ओनली 273.15 हम ऐड कर देते हैं वैल्यू केल्विन। ओके, केल्विन स्केल टेम्परेचर इज आल्सो कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड इज यूज्ड इन ऑल साइंटिफिक वर्क। हर एक साइंटिफिक वर्क में ये केल्विन वाला स्केल यूज होता है और उसका और नाम भी है, दूसरा नाम है थर्मोडायनेमिक स्केल। Thus, we add 273, more precisely 273.15 to the Celsius temperature to obtain temperature at Kelvin scale. Kelvin scale में हमें temperature जानना है, ये तो first chapter में आपने देख लिया है, मैंने thermometer draw करके रखा था और one by one आपको explain करा था कि Fahrenheit है तो उसमें हम कैसे calculation कर सकते हैं। If we write TT 273.15 plus T or T0 273.15 in this equation, we obtain the relation. अब 5.6 वाला equation है, उसमें आप value रखोगे ये वाली T0 की जगह 273.15 और TT की जगह पर ये वाली value रखोगे, means ये वाला symbol रख दो, 273.15 plus T था वहां पर आपने ये symbol रख दिया TT वाला, और 273.15 वाला सिंबल था वहां पर आपने T0 रख दिया, तो ये तो आपको याद है कि V0 आगे था और VT यहाँ पे था, तो V0 है वो यहाँ पर रखोगे तो आपको ये रिलेशनशिप मिलेगा VT by V0 डिवाइड इज इक्वल टू TT by T0। अब मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, जो जिसको भी कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है। ओके, भाई आप अनम्यूट हो सकते हो, अपनी तरफ से करो अनम्यूट हो सकते हो। चलो मैंने कर दिया। ये रिलेशनशिप है वो आपको याद रखनी है, कहां से आई, क्यों आई, कोई उसका लॉजिक है नहीं। पीछे एक बार ये देख लो पीछे भी कि टेम्परेचर उसका मान लो T2 है तो वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंग क्या होगा V2, और टेम्परेचर उसका T1 है तो उसके अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम V1 होगा। तो ओवरऑल कांस्टेंट दे दिया है कि मान लो कि V2 डिवाइडेड बाई T2 है, उसका कांस्टेंट मान लो कि K2 है, वो कांस्टेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है, और V is equal to T, यहाँ पे लास्ट में ये फॉर्मूला हमने सॉल्व आउट नहीं करी है, पहले देख लेते हैं उसके बाद आपको कोई क्वेरी है तो बोलना, कि VT is equal to हमने V2 कर दिया और TT is equal to हमने T2 कर दिया, मींस कोई टेम्परेचर है सिंबल हमने चेंज कर दिया। ओके, और ये V1 है उसको यहाँ रख दो, और V1 है उसको यहाँ रख दो, तो T2 है वो यहाँ पर आ जाएगा, V2 डिवाइडेड बाय क्या होगा T2, तो सेम आपको ये रिलेशन बताया है, और V1 डिवाइडेड बाय क्या होगा T1। ओके, तो V/T ओवरऑल आपको बोला है कि ये कांस्टेंट ले लो कि वो कांस्टेंट वैल्यू है और वो K2 से रिप्रेजेंट करा है, तो V is equal to V divided by T overall उसको ले लिया है कि V divided by T वाला रिलेशन है और वो कोई कांस्टेंट वैल्यू से रिप्रेजेंट करा है K2 से, तो V is equal to कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाई होगा K2 into T करेंगे तब जाके हमें कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम मिलेगा, कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा। मान लो आप 28 डिग्री टेम्परेचर रखते हो कोई स्पेसिफाइड गैस के, ओके, स्पेसिफाइड मास होगा और प्रेशर भी उसका कोई कांस्टेंट होगा, और टेम्परेचर मान लो आप 28 डिग्री देते हो तब उसका वॉल्यूम आपको मिलेगा, पर K2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम मिलेगा। ये फाइनल उसने ये रिलेशनशिप दिया है उसका।
तो इसके रिलेटेड सम आएगी, द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट K2 इज डिटरमाइंड बाय द प्रेशर ऑफ द गैस, इट्स अमाउंट एंड यूनिट्स इट्स वॉल्यूम, इन इट्स यूनिट्स इन व्हिच वॉल्यूम V इज एक्सप्रेस्ड। इक्वेशन 5.10 इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ज फ्लो व्हिच स्टेट दैट द प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर उसमें कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेंपरेचर, वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली उसके जो उसका टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या है, केल्विन टेम्परेचर होगा, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K2 आपको बताया है। अब बोलो, ओके फिर से अनम्यूट हो गए। वो वाले फॉर्मूला नहीं समझ आया मैम। क्या कौन सा वाला बेटा, फर्स्ट वाला, वो वाला बलून फर्स्ट फ्लो जाता है, वो वाला नहीं समझ आया? नहीं 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 नहीं, तो अभी जो करवाया ना वो वाला, अभी जो उसके पहले नहीं करवाया, नहीं उसके पहले वाला, टेबल वाला, हाँ ये वाला, टेबल वाला ना, वी टी वी नो, हाँ ये वाला, बस बस ये वाला, वी टी इज इक्वल टू के टू, ये वाला नहीं, ये नहीं, तो वो नहीं, मतलब पीछे वाला अभी जो दिखाया था ना वो वाला, हेलो 73.15 वाला वो, ओके 273.15, ये वाला ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला दे दी है, इसमें कोई लॉजिक नहीं दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला पहले आपको याद रखनी पड़ेगी, ओके ये डायरेक्ट कैसे समझ में आएगा, कोई नहीं देता लॉजिक को, लॉजिक के डायरेक्ट दे दी है फॉर्मूला, उसमें तो आपको क्या पता चलेगा, देखो मुझे पता होता तो आपको बता देते, पर मुझे ही नहीं पता है ये कहाँ से आया, ठीक है, इसका कोई लॉजिक ये नहीं, डायरेक्ट आपको याद रखना है, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, ओके डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, रिलेशनशिप आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, रिलेशनशिप उसने क्या दी है समझ में नहीं है।